पता चला है कि आप ड्रीम इलेवन पे टीम लगा के कुछ राशि जीते हैं, सही बात है? सही बात है। कितनी राशि जीते हैं? 1.5 करोड़। हाँ, बाहर चले गए थे कमाने के लिए। अभी आपका बहुत प्रसार प्रसार है कि सिलाई करने वाला लड़का करोड़पति हो गया। जब तकदीर बदलना होता है ना, तो किसी के हाथ में नहीं होता और कोई चाह के भी उसे रोक नहीं सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपको तो पता ही है कि लगातार मैं बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, जहाँ बोले, जिस डिस्ट्रिक्ट बोले, वहाँ से ड्रीम इलेवन के विनर को लेकर के आता हूँ। स्पेशली इसलिए क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर ड्रीम इलेवन विनर का इंटरव्यू देखना बहुत पसंद है। तो तमाम श्रोतागण को एक बार फिर से धन्यवाद है, और फिर से एक नए विनर के एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं बिहार के आजमनगर में हूँ, और आजमनगर कटिहार डिस्ट्रिक्ट का अंतिम बॉर्डर इलाका है, और यूँ कहा जाए कि आजमनगर से सटा हुआ बंगाल का बॉर्डर लगता है। मतलब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में बॉर्डर का ही इलाका है। और अभी आप देख रहे होंगे कि आजमनगर में ये रतनिया ग्राम पड़ता है, और रतनिया ग्राम का ये छोटा सा घर है, बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, और कुछ लोग हमारे पीछे की ओर भी है। अब खास बात ये है कि आपको तो पता ही है कि आईपीएल का महीना चल रहा है, सीजन चल रहा है, और आईपीएल की सीजन में हर कोई चाह रहा है कि ड्रीम इलेवन पे टीम लगा के करोड़पति बन जाए। तो सबके नसीब में तो होता नहीं है, क्योंकि सब कोई करोड़पति कैसे बन सकता है, एक बार में 2-2 करोड़ लोग टीम लगाते हैं, लेकिन ड्रीम इलेवन तो सिर्फ 1 से 5 लोगों को इस बार के सीजन में करोड़पति बना रही है। तो उन्हीं 5 लोगों में से एक भाग्यशाली युवक आज हमारे साथ है, उनसे मिलाते हैं और बताते हैं कि किस मैच में कब टीम लगाया था, कितनी राशि जीती, इससे पहले खेलते थे कि नहीं खेलते थे, और खेलते थे तो कितना नुकसान हुआ, तमाम चीज़ों पे बातचीत होंगी। तो आइए मिलाते हैं विनर से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। स्वागत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद। हाँ। घर कहाँ है आपका? रतनिया। रतनिया। ये कौन से जिले में पड़ता है? कटिहार जिले में। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक आजमनगर। आजमनगर। पता चला है कि आप ड्रीम इलेवन पे टीम लगा के कुछ राशि जीते हैं, सही बात है? सही बात है। कितनी राशि जीते हैं? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। कब का बात है ये? ये 4-5 दिन की बात है। तारीख याद है? हाँ, 30 तारीख। 30 तारीख। कौन सा मैच था? मैच था पंजाब और इस लखनऊ और पंजाब। लखनऊ और पंजाब के बीच में मैच था। अच्छा, कितनी उम्र हो रही होगी अभी आपकी? हमारी 22 साल हो रहा। 22 साल हो रही है। क्या करते हैं? सिलाई का काम कर रहे थे दिल्ली में। दिल्ली में। हाँ। बगल में पिताजी हैं। चाचा जी आपके लड़के हैं? जी हाँ, ये मेरा लड़का है। करोड़पति बन गया है? जी, ये दिल्ली में रहते थे, सिलाई का काम करते थे। अच्छा। और ये ड्रीम इलेवन खेलना शुरू किया। अच्छा। तो भाग्य था तो जीता है। खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं। कितना पैसा जीते हैं? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। सिलाई का काम करते थे। हाँ। ड्रीम इलेवन के बारे में कैसे पता चला? हम खेलते थे पहले से, 3 साल पहले से। 3 साल से खेल रहे थे? जो भी विनर्स है और जो नहीं जीत रहे वो भी कह रहे 3 से 4 साल से खेल रहे थे। 4 साल से मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया इसका, नॉलेज हो जाता। अच्छा, तो 3 साल से खेल रहे थे, पहले भी जीते थे? नहीं, पहले इतना नहीं हो रहा था, कम हो रहा था, पहले बहुत हारे हैं। अच्छा। लगभग कितना? 50-40 हज़ार। 40-50 हज़ार रुपये? तब तो बहुत नहीं हारे। इतना तो है। अच्छा, फिर जब हार रहे थे तो नहीं लगता था कि ड्रीम इलेवन फ्रॉड करती है, पैसा नहीं देती है? नहीं, वो तो नहीं लग रहा था। ड्रीम इतना पैसा हारने के बाद सबका हौसला टूट जाता है? टूटता है, बट देखते थे वीडियो यूट्यूब में, तो उसका बता रहा था सही है इसके बारे में। सही है। तो अभी कितना पैसा जीते हैं? 1.5 करोड़। कितना रैंक था आपका? 1 नंबर में। 1 नंबर में। कैसे टीम लगाए थे कि 1 नंबर पे आ गए? अपने खुद से लगाए थे हम, टीम को सेलेक्ट किया अपने से और लगा दिए हम देख के। 30 तारीख का जो मैच लखनऊ और पंजाब के बीच हुआ था, बता दूं कि उसमें 59-59 का जो कॉन्टेस्ट था वो ऐसा कॉन्टेस्ट था जिसमें पहले प्रतिभागी को 2 करोड़ मिलना था, बाकी 4 प्रतिभागी को 1-1 करोड़ मिलना था। लेकिन उस दिन के मैच में कुछ ऐसा हुआ कि एक ही साथ 2 लोग 1 नंबर पे आ गए, मतलब दोनों का सेम पॉइंट आ गया था। हाँ, सेम पॉइंट आ गया था। आपका भी उतना ही पॉइंट था और अगला का भी उतना ही पॉइंट था। जिसकी वजह से 1 नंबर और 2 नंबर का जो टोटल विनिंग प्राइस था 3 करोड़ था, बट सेम पॉइंट और सेम रैंक आने की वजह से पैसे को 2 भागों में बांट दिया गया बराबर, और आधा आधा कर दिया गया। हाँ। और आधा करके आपको कितना मिल गया? हमको 1.5 करोड़ मिला। 1.5 करोड़ मिला। अगर इनकी आईडी आपको जाननी है तो आप उस मैच में जा कर के नंबर 1 पे अशद अनस्टॉप करके इनकी आईडी बनी हुई है। हाँ। अच्छा, तो ये करोड़पति बनने का जिज्ञासा कहाँ से जगा? सिलाई करके खुश नहीं थे? खुश थे, बस
कोशिश कर रहे थे कि कोशिश बड़ा हो जाए, अच्छा आदमी बन जाए, और ये अल्लाह का मर्जी है। पढ़ाई कितना की है? सिक्स क्लास तक बस। मतलब घर के हालात के कारण आप चले गए थे? हाँ, बाहर चले गए थे कमाने के लिए। अभी आपका बहुत प्रसार प्रसार है कि सिलाई करने वाला लड़का करोड़पति हो गया। हाँ, पूरी जिंदगी कमा के कर पाते क्या? इतना तो नहीं होता। अब क्या करना है इन पैसों का? अच्छा सा घर बनाना है। अच्छा। और बिजनेस करना है, आगे इसको बढ़ाना है।